नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ईशा। नेशनल टुडे 24 पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, फरखाबाद से सड़क पर ट्रक चालक नीरज का शव मिलने से मची सनसनी। जी हां, वहीं बता दें, मृतक जनपद कन्नौज कोतवाली छिबरामऊ के ग्राम महुई निवासी रामकरण का 30 वर्षीय पुत्र था तथा ट्रक चलाता था। वहीं नीरज का शव आज सुबह थाना मऊ दरवाजा रेलवे क्रॉसिंग हतियापुर गांव के निकट आजम के बाग के सामने सड़क के बीच पड़ा देखा गया। बता दें, मृतक के गले में सूजन और कंधे व कान के पास चोट के निशान देखे गए हैं। उसके शरीर पर बनियान, जीन्स की पैंट थी, पैरों में जूते चप्पल नहीं थे। सूचना मिलने पर थाना अध्यक्ष एवं दरोगा इंद्रजीत सिंह ने मामले की जांच पड़ताल की। पड़ोसी ग्राम रसीदपुर निवासी रामदास की पत्नी पुत्री रेशमा ने नीरज की शिनाख्त की। रेशमा ने मीडिया को बताया कि नीरज मेरी बुआ का बेटा था। पति से अनबन के बाद मायके में रहने वाली रेशमा ने बताया कि नीरज बीती शाम 4 बजे ग्राम समधन निवासी अपने जीजा राम कुमार के साथ घर आया था। थोड़ी देर बाद ही दोनों लोग चले गए थे। नीरज रात वापस आया और थोड़ी देर बाद ट्रक ले जाने के लिए जाने लगा, तो मैंने रात हो जाने के कारण उसे रुकने को कहा। जब नीरज नहीं रुका तो अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। इसके बावजूद नीरज दीवार फांद कर भाग गया। बताया गया कि नीरज की पत्नी की मौत हो चुकी है, उसके 2 भाई हैं। सूचना मिलने पर परिजन मौके पर पहुंचे। फरखाबाद से रघुवंश दुबे की रिपोर्ट। पटरी के किनारे जाकर आवो रघीपुर वाली रखता है, रघीपुर है तुम आवो, हम आगे आओ देंगे। कहाँ रहते हो? नवली मोही। क्या घटना हुई थी भाई के साथ? क्या घटना हुई आपके भाई के साथ? क्या घटना हुई है? कल घर से आए सही, और शाम को कोई बात बनी बिगड़ी हुए, ड्राइवर आदमी है वो भाई मारो वो। कल कितने बजे घर से गायब हुए थे? कल गायब का हुआ मोटरसाइकिल का है, तुझे नहीं आए कल घूमन आए रदीतपुर। और कौन था दूसरा साथ में? दूरे नातेदार मानोई थे और एक चाचा गुल्ला। तो आपको सूचना कब मिली? सुबह सुबह कितने बजे? 6 बजे। तो क्या लग रहा है आपको ये है? क्या लग रहा है, कैसे क्या मर्डर हुआ, क्या है? बाबा हाथ उतने में लगा लेते जाकर टीम आई रही, उंगलियां फिंगलर जी के आई रहे, आप कह रहे उंगलियां जी की हुए भाई।